हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आज भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले 3000 से ज़्यादा डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर है। इस दौरान किसी भी मरीज की जांच नहीं की जाएगी और ना ही किसी मरीज की सर्जरी होगी। यहाँ तक कि नए मरीजों को जनरल वार्ड में भी इलाज के लिए भर्ती नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो 29 दिसंबर से राज्य के सभी सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप है। अभी अस्पतालों में मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार के मरीज बड़ी संख्या में इलाज के लिए आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में ओपीडी सेवा ठप रहने पर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टरों की आखिर मांग क्या है जिस वजह से डॉक्टर्स हड़ताल पर है। तो बता दें, डॉक्टर्स की मांग है कि उनके लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन हो, ACB योजना लागू हो, SMO की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए और PG के लिए बोन राशि 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख की जाए और सरकारी अस्पतालों में दवाई की कमी को दूर किया जाए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉक्टर राजेश खियालिया ने हैरानी जताते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ऑफिस तक से फाइलें आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि 2 साल पहले ही स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ने उनकी सभी मांगों को उचित ठहराते हुए जल्द स्वीकार करने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 29 दिसंबर से ओपीडी सेवा के साथ इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी जाएगी। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपकी डॉक्टरों की हड़ताल पर क्या राय है और डॉक्टरों की सभी मांगे कितनी वाजिब है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।